सो है गाइस, वेलकम बैक टू द माइनी ब्लॉग। सो गाइस, आप सभी का ना राज सक्सेना प्यारा सा यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। सो दोस्तों, फिलहाल तो अभी ना 4:32 हो चुका है। अभी जस्ट मैं हूँ बोरिवली स्टेशन के यहाँ पे, और अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ बोरिवली स्टेशन ईस्ट के यहाँ पे। और आज जो मेरा इवनिंग का जो इवेंट है ना, वो है आज मेरा रोड स्टेशन ईस्ट घोड़बंदर रोड के यहाँ पे। और आज मैं जाने वाला हूँ सी एंड रॉक करके, वहाँ पे होटल है, ठीक है। आज वहीं पे मेरा ना इवनिंग का इवेंट है, और फटाफट यहाँ पे मैं बस का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ना 700 LTD करके ना बस है जो थाने के लिए जाती है, मेरे हिसाब से वहाँ पे बस लगा हुआ है। सो दोस्तों, वहाँ पे ना बस लगा हुआ है 700 LTD, और फटाफट यहाँ से बस पकड़ूँगा और थाने के लिए निकलूँगा। कम से कम यहाँ मुझे पहुँचने के लिए लगेगा। तो सो दोस्तों, यहाँ पे थाने का बस लगा हुआ है 60 करके, और 700 LTD भी जाता है, बस 60 पकड़ के जाता हूँ यहाँ से। सो दोस्तों, फाइनल मैं बिना बस नंबर 60 यहाँ पे बैठ चुका, बट यहाँ पे ना काफ़ी गर्दी है और सीट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब बट देखता हूँ यहाँ, क्योंकि 700 LTD करके बस यहाँ से जाता है, बट वो फिलहाल तो अभी यहाँ पे नहीं है। बट बस नंबर 60 यहाँ पे है और यहाँ पे लगा हुआ है। अभी 4:34 हो चुका है। मुझे लगता है ना, आसपास यहाँ से ना अगर ट्रैफिक नहीं भी रहेगा तो यहाँ से वहाँ पहुँचने आधा घंटा लगेगा। अगर ट्रैफिक रहा तो कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा। और जो मेरा रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो 5:30 है, और फिलहाल तो बस हाउसफुल है। अभी देखते हैं, फटाफट टिकट निकालते हैं और यहाँ से सीधा मैं उतरने वाला हूँ होटल फाउंटेन, मतलब होटल एक्सप्रेस इन के यहाँ पे। तो फटाफट चलिए। सो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रहा बोरिवली स्टेशन है, और जैसे बोरिवली स्टेशन ईस्ट के यहाँ पे ना, यहाँ पे एक इंडियन का फ्लैग भी है बड़ा फिलहाल तो। हाँ, ये फ्लैग हो गया, और फ्लैग के जस्ट सामने ना यहाँ पे ना थाने स्टेशन जाने के लिए ना 700 LTD बस, और या फिर 60 का आपको बस मिलेगा, जो आप सीधा ना थाने स्टेशन के लिए यहाँ पे जा सकते हो। सो दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे ना बस फिलहाल तो काफ़ी हाउसफुल हो चुका, बट यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है, और मुझे लगता है यहाँ पे ना खड़े होकर जाना पड़ेगा। तो जाते फिलहाल ना अभी ना 4:45 हो चुका है, जस्ट बोरिवली स्टेशन के यहाँ से ना बस निकली है, और हमारे कंडक्टर सर यहाँ पे आ चुके हैं। जितने भी पैसेंजर्स अभी से यहाँ से टिकट विकट निकालते हैं, और फाइनली मेरे पास अभी 20 रुपये भी है, जो होटल फाउंटेन एक्सप्रेस है वहाँ पर उतर जाऊँगा। फिर वहाँ से ना कम से कम एक टिकट का 17 रुपीज़ रहेगा। तो ये रहा बस। सो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर मैंने टिकट निकाल लिया हूँ होटल फाउंटेन के लिए, और जस्ट 20 रुपये मैंने दिया था, उसमें से 17 रुपये टिकट का प्राइस है ये। तो फटाफट जाते हैं होटल फाउंटेन के यहाँ पर। फाइनली अभी ना 5:14 हो चुका है। अब जस्ट मैं पहुंचा हूँ होटल एक्सप्रेस के यहाँ पे और होटल फाउंटेन के यहाँ पे, और ये बस है जो बस नंबर, इसी बस पे मैं बैठ के अभी आया था, और जस्ट भाई ये बस ना अभी निकल गए थाने स्टेशन की ओर के लिए, और ये रहा हमारा होटल फाउंटेन है, वो ये होटल फाउंटेन, और ये हो गया होटल एक्सप्रेस करके। और यहाँ का जो रोड है ना, मतलब इसे हम कहते हैं घोड़बंदर टोल नाका, और जैसे कि वहाँ पे एक हाईवे है, वो हाईवे सीधा जाता है मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस है, और ये जस्ट इसका नाम है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, और ये घोड़बंदर रोड है जो थाने स्टेशन के लिए और के लिए यहाँ से निकलता है। बट हमें ना आज जाना है सी एंड रॉक के यहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ होटल एक्सप्रेस करके, होटल एक्सप्रेस जस्ट सामने आगे से हमें ना राइट टर्न लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर ना एक छोटा सा, मतलब वहाँ पर गली बनाया गया है, और जहाँ से हम पैदल ही यहाँ से और 1 किलोमीटर के आसपास हमें थोड़ा पैदल जाना है, और उसके बाद। सो दोस्तों, ये रहा घोड़बंदर रोड है, बट मुझे यहाँ से भी ना रास्ता क्रॉस करना है, और क्रॉस करके वो साइड जाना है, अपोजिट मतलब वो साइड जाना है, और वहाँ से ही मुझे थोड़ा अंदर जाना होगा। तो जाते फटाफट, और ये घोड़बंदर रोड, ये घोड़बंदर रोड। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये ना मेरा ना मुंबई इवेंट्स ब्लॉग नंबर 124 है। सो दोस्तों, ये मेरा ना 124 मुंबई इवेंट्स ब्लॉग वीडियो है, जबकि मेरा 100 मुंबई इवेंट्स ब्लॉग वीडियो हो चुका है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको लगातार इसी तरह के मुंबई के जितने भी वेडिंग डेस्टिनेशन जो ब्लॉग वीडियोस बनते हैं, वो सारे आपको इसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो गाइस, अगर आप चैनल पर आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, अभी जस्ट यहाँ से अभी थोड़ा सा चलेंगे हम आगे, और आगे चलने के बाद हम सीधा पहुँच जाएंगे सी एंड रॉक के यहाँ पे। तो चलिए फटाफट।
तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि जो सी एंड जो रॉक है ना, यहाँ पे अगर आप होटल रूम्स के लिए भी अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन भी बुक करोगे ना, तो इसका जो स्टार्टिंग है ना वो है 4,217। मतलब आपको ना मॉर्निंग को या फिर आफ्टरनून में ना आपको ना सुबह आप ना 12 बजे भी चेकआउट करोगे होटल में, तो आप ना नेक्स्ट डे सुबह 11:30 बजे आप यहाँ से चेकआउट कर ले। मतलब आपको ना यहाँ से 23 घंटे का जो आपको लगेगा 2% का वो लगेगा। 4,217 से स्टार्ट है, बट आप देखना यहाँ पे आपको किस हिसाब से यहाँ पे रूम लेना है। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी फेमस ये सी एंड रॉक है, क्योंकि गाइस यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, यहाँ का जो मतलब माहौल है शाम का, काफ़ी मज़ा आता है। क्योंकि गाइस ये ना थोड़ा यहाँ के जो कल्चर्स हो गए, यहाँ के जो इन्वायरमेंट हो गया, यहाँ का जो मौसम है ना वो शाम को काफ़ी ठंडागार होता है, काफ़ी कूल होता है, और इसकी वजह से काफ़ी मज़ा आता है इवेंट करने के लिए। तो गाइस मुझे तो नहीं पता कि आज शाम को कितने गेस्ट वहाँ पे आने वाले हैं, जो स्टार्टर वगैरह में क्या है, और मैं तो 4:30 से अभी तो फिलहाल ना 5:18 हो चुका है, और 5:30 मैं चेक इन करूँगा, रात को 11:30 मेरा चेकआउट हो जाएगा। और आज का क्या फंक्शन है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट वहाँ जाके स्पॉट पे पता चलेगा कितना प्लेट्स है, कब क्या होगा। तो चलो वीडियो को देरी नहीं करते हुए सीधा हम जाते हैं सी एंड रॉक के यहाँ पे। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ना होटल सी एंड रॉक में ना फर्स्ट डे का ब्लॉग वीडियो आ चुका है, आप जाइए फटाफट और देखिए। अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक ज़रूर दूंगा, लिंक को टैप करना और क्लिक करना, ज़रूर वीडियो को देखना। और सेकेंड डे भी मेरा होटल सी एंड रॉक का था, जबकि मैंने ना फर्स्ट डे में ना मॉर्निंग और इवनिंग दोनों इवेंट किया था। सेकेंड डे में मैंने मॉर्निंग किया था और उसके बाद ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ पे इवेंट नहीं था, और आज मैं आया हूँ ओनली सिर्फ शाम का ही इवेंट करने, मतलब इवनिंग का, वो भी 5:30 से लेके रात के 11:30। तो जाते हैं, अभी एंट्रेंस गेट आ गया है मेरे सामने। सो दोस्तों ये रहा एंट्रेंस गेट, यहाँ से मैं एंट्री करूँगा, और मुझे ना यहाँ से आवाज़ भी आ रहा है, एंकरिंग का लोग चेकिंग वगैरह कर रहे हैं डीजे वगैरह का। तो ये सी एंड रॉक का ना एंट्रेंस गेट है और काफ़ी अच्छा है ये। सो दोस्तों ये रहा होटल सी एंड रॉक का एंट्रेंस गेट है, और फटाफट यहाँ एंट्री करते ना। तो दोस्तों फाइनल अभी 5:34 हो चुका, मैं रेडी हो चुका, बट यहाँ पे इवेंट अभी स्टार्ट होने वाला है, तो फटाफट जाते हैं यहाँ पे इवेंट यहाँ पे। और चलो फटाफट ब्लेजर के तो मैं पहन लिया और दिखाता आपको। सो दोस्तों फिलहाल अभी शाम के ना 6:13 हो चुका, बट यहाँ पे ना ये कवर है, ठीक है, और स्टेज है। और दोस्तों मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ कि आज ना मतलब 7001 क्लब सेलिब्रेशन का 22 है, और इसी की वजह से यहाँ पे इवेंट रखा गया है। तो ये रहा एंट्री गेट और सामने स्टेज है ये। दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ 7001 सेलिब्रेशन 2022 करके यहाँ पे इवेंट रखा गया है। अभी मतलब काफ़ी लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं अभी, अब फटाफट हमारा अभी थोड़े टाइम के बाद ना जो स्टार्टर भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये होटल सी एंड रॉक का। सो दोस्तों फिलहाल अभी ना शाम के 6:34 हो चुका, बट अब फिलहाल तो ये जैसे कि ये सो दोस्तों फिलहाल अभी ना 6:34 हो चुका, बट यहाँ पे ना अभी तक इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मत होटल सी एंड रॉक में ना जो इवनिंग का इवेंट है ना, आज यहाँ पे इवनिंग का इवेंट है ना, वो है मतलब नया रोड के ना पूर्व MLA मिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मेहता सर का ना मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, जिसका नाम है 7-11 कंपनीज करके। तो उसको ना अभी फिलहाल ना 18 साल हो चुका है, और उसके रिलेटेड आज ना फाउंडेशन डे है, और इसी की वजह से ना आज ना इवनिंग का इवेंट ना यहाँ पे रखा हुआ है। और टोटल यहाँ पे आज ना जितना आज टोटल यहाँ पे ना 1700 प्लेट्स है, और यहाँ पे स्टार्टर भी है, मॉकटेल भी, जूस भी है, बट फिलहाल तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो फिलहाल ना शाम के 6:30 इसकी वजह से, पर थोड़े टाइम के बाद ना यहाँ पे ना सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि फिलहाल तो हम सब लोग ना
चेयर्स पे बैठे हुए, बट अभी जितने भी गेस्ट है सब तो मतलब आना तो स्टार्ट हो चुका है, कुछ समय के बाद सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब फिलहाल अभी स्टेज पे ना थोड़ा वो लोग ना इवेंट स्टार्ट होने से पहले थोड़ा वो रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल करने के बाद फिर अपना उनका जो प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना म्यूजिशियन वगैरह मतलब यहाँ पे म्यूजिशियन वगैरह लोग भी आए, सिंगिंग वगैरह भी होगा, तो काफ़ी अच्छा इवेंट होने वाला है, तो देखिए फिर मज़ा आएगा। सो दोस्तों जैसे कि सामने ना स्टेज है, स्टेज के यहाँ पे ना काफ़ी लोग रिहर्सल कर रहे हैं सिंगिंग के लिए, ठीक है, और काफ़ी लोग ना यहाँ पे आ चुके हैं गेस्ट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ना आज ना 18th हुआ एनिवर्सरी है 7-Eleven क्लब का, और इस कंपनी में टोटल अभी 18 साल हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे इवेंट रखा गया है। तो ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और देखते हैं इवेंट कब स्टार्ट कब ख़त्म होगा यहाँ पे। तो दोस्तों फिलहाल ना अभी ना रात के 7:12 हो चुका है, अब जस्ट मैं एंट्री गेट के यहाँ पे खड़ा हूँ। सो दोस्तों देख रहे हैं ना, ये है एंट्री गेट, यहाँ से ना जितने भी गेस्ट हैं आएंगे और यहाँ से ऐसा एंट्री करके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो सो दोस्तों मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ से एंट्री गेट है यहाँ पे, ठीक है। एंट्री गेट का कुछ ना इस प्रकार का है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है सी एन रॉक करके, ये हमारे यहाँ से इन गेट है, ठीक है, और यहाँ से आउट है, और यहाँ से हमें इन करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ पार्किंग फुल हो चुका होटल सी एन रॉक करके, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना, और जैसे कि यहाँ पे अगर स्टार्टिंग जाते हैं तो आपको यहाँ पे ना फाउंडेशन वगैरह का कुछ ये बहुत अच्छा देखने को मिलेगा ये, और ये रहा, और तो ये रहा एंट्री गेट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ गाइस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 18th एनिवर्सरी 7-Eleven ग्रुप ऑफ कंपनीज वेलकम यू टू द फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, ठीक है। और ये यहाँ से एंट्री गेट हो गया, यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखा हुआ है। तो अब हम ना यहाँ से देखो, वहाँ पे लिखा हुआ सी एन रॉक करके, और यहाँ से हमें ना अभी एंट्री करना है, और यहाँ पे ना सब कुछ लिखा हुआ एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। तो 7-Eleven का स्कूल भी है, जैसे यहाँ पे 7-Eleven स्कॉलरशिप स्कूल्स ICSE लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, मेरा भाईंदर में स्कूल है जिसका नाम है 7-Eleven स्कॉलरशिप स्कूल करके, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ 7 Square अकेडमिक भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी मतलब एकेडमी है, और जिसका नाम है 7 Square करके एकेडमी, ये भी मतलब नायगांव स्टेशन ईस्ट के यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपना घर आपका, आपका सपना घर अपना, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एंट्री करते हैं अभी, तो फिलहाल तो अभी ना अंदर ना स्टार्ट हो चुका है म्यूजिशियन वगैरह, यहाँ पे गाना भी ना स्टार्ट हो चुका है, सिंगर स्टेज पे अभी परफॉर्म कर रहे हैं गाना गा के, और यहाँ पे लिखा सी एंड रॉक करके होटल कॉर्पोरेट एंड रिक्रिएशन करके, और यहाँ मतलब इनके ना बहुत सारे इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ एंड आइडियल होटल डिज़ाइन फॉर कॉर्पोरेट मीटिंग्स, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, बिजनेस इवेंट्स, लग्जरी स्टे, वीकेंड रिसेप्शन, वेडिंग्स, बैंक्वेट पैटरी, मेगा इवेंट्स, मतलब ये सारे चीज़ें ना यहाँ पे इनके मतलब रेस्टोरेंट भी है 7 Spice करके, और ये ना होटल सी एंड रॉक करके है ये, ठीक है। और वहाँ से एंट्री गेट है, और आपको ना अंदर से ना और थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा 7-Eleven क्लब क्राफ्टेड टू ग्रेस योर मोमेंट्स करके। अभी रात के ना 11:45 हो चुका है, बट यहाँ पे ना इवेंट फाइनली हमारा ख़त्म हो चुका है। सो दोस्तों देख रहे हो कि 12:15 हो चुका है, बस मेरा अभी इवेंट यहाँ पे ख़त्म होगा, फटाफट मैं खाना वीना खा के ना अभी घर के लिए तो निकलना, और यहाँ पे जितना भी मतलब डेकोरेशन किया था और सभी का डेकोरेशन का यहाँ पे ना सेटअप पूरा निकाल दिया गया, अब जस्ट मैं घर पे लिए निकल रहा हूँ रबड़ी खाई से। चलो दोस्तों फाइनली अभी ना 12:15 हो चुका है, अब जस्ट मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ पे, तो चलो फिर फटाफट जाते हैं। सो दोस्तों फिलहाल तो अभी मैं यहाँ से ना घर के लिए निकल रहा हूँ, और जस्ट वहाँ से मैंने इन किया था, और यहाँ से आउट है, और फटाफट निकलता हूँ यहाँ से, तो चलो। ताकि वीडियो में बताता कि स्टार्टिंग में
जैसे कि 7-Eleven ग्रुप ऑफ कंपनी को ना 18 साल हो चुका है, और 18 साल होने के बाद आज ना 18th anniversary था, और आज ना फाउंडेशन डे था। और एग्जैक्टली क्या है ना, मतलब मेरा भाईंदर के जो पूर्व माननीय श्री जो आमदार रह चुके, जिनका नाम है माननीय श्री नरेंद्र मेहता सर, मतलब उन्होंने ना टोटल ना 4 प्लेटफॉर्म में काफ़ी अच्छा काम किया मेरा भाईंदर के यहाँ पे, जैसे कि हॉस्पिटल जो हमारे आते हैं हेल्थ केयर में, फिर एजुकेशन जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस वगैरह है, फिर उसका होटल लाइन्स हो गया, हॉस्पिटलिटी, और फोर्थ मतलब जो होता है कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्डिंग लाइन, तो चारों में ना उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उन्हें मतलब अच्छा काम किया हुआ था। और ये चार प्लेटफॉर्म के ना सारे लोग आज आए थे, और उनके लिए यहाँ पे डिनर वगैरह भी रखा था। और फाइनली ना, और मैं जहाँ पे था ना, मैं आज ना VIP सेक्शन में था, और जहाँ पे मतलब जितने भी पॉलिटिक्स लोग आए थे ना, तो उनको मतलब थोड़ा खाना पीना सर्व करना था, और फाइनली मैंने ना खाना सर्व कर दिया। क्योंकि गाइस पता है अभी क्या है ना, अभी पहुँचने मतलब अभी ना फिलहाल ना 11:50 हो चुका है, और कहीं ना अभी मेरा ना बोरीवली स्टेशन के यहाँ से ना लास्ट जो ट्रेन है 12:40 का है, तो मुझे यहाँ से फटाफट भागना है और बस का वेट करना है, और बस जैसे मिलेगा वहाँ से मुझे ना सिर्फ बोरीवली स्टेशन जाना है, देखता है बस मिलता है कि नहीं। सो आई होप गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा तो नीचे तक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग वीडियो का अंत करता हूँ, अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ। और सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इसी तरह मुंबई रिलेटेड इवेंट्स ब्लॉग वीडियो मिलते रहेंगे। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।